तो यार आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी का रिव्यू करने वाले हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन देहरादून के पास स्थित है, जिसका जो कैंपस एरिया है वो 44 एकड़ के अराउंड है, जिसका हाईएस्ट पैकेज 50 LPA का है, और बात करें अगर प्लेसमेंट रेट की तो वो 94% है, और जहां पे 550 से ज्यादा जो कंपनियां है वो प्लेसमेंट देने के लिए आती है। तो हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं UPES देहरादून के बारे में। तो आज हम एक पर्टिकुलर कोर्स यानी कि BTech CSE के बारे में डिटेल में बात करेंगे, साथ ही साथ प्लेसमेंट्स वगैरह जो है वो हम कॉमन कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब के बारे में भी बात कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यार, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, वो ये है कि अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट रह जाता है इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, या फिर आपके मन में कोई भी दुविधा है इस यूनिवर्सिटी को रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने जो है पिन कमेंट में आपको एक करियर काउंसलर की सारी डिटेल्स दे रखी है। आप उनका चैट सपोर्ट भी ले सकते हो, आप उनका गूगल फॉर्म भी भर सकते हो, इवन आप उनको डायरेक्ट कॉल करके बात भी कर सकते हो, और ये सब कुछ एकदम फ्री रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए चलते फटाफट से लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यार, हम लोग आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और अभी हमें UPES की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे जो है हमने पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस का जो है कोर्स ओपन किया हुआ है। बट अगर हम बात करें कि किस किस तरीके के कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, तो आप देख सकते हो एडवांस इंजीनियरिंग, बिजनेस रिलेटेड यानी MBA BBA ये सारे कोर्सेज भी ऑफर करती है, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड, हेल्थ केयर एंड हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, लिबरल स्टडीज से रिलेटेड, स्कूल ऑफ फॉर लाइफ से रिलेटेड, और UPES जो है ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी ऑफर करता है। बट चलिए आते हैं मुद्दे पर। तो BTech CSE जो है भैया वैलिड JEE स्कोर एक्सेप्टेड, यानी जो आपका JEE का स्कोर है उसके थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। तो बहुत ही क्रिस्प तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, अगर आपको UPES देहरादून से जो है BTech CSE करनी है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो भैया यहाँ देख सकते हो, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ मिनिमम 50% मार्क्स इन क्लास 10th और 12th, यानी मिनिमम टू मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए आपकी क्लास 10th या 12th के अंदर, और किन सब्जेक्ट्स के अंदर होने चाहिए मिनिमम ऑफ 50% इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, यानी इन तीन सब्जेक्ट के अंदर आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, जैसे UP सीट जो इनका खुद का एग्जाम होता है उसके थ्रू भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, JEE के अगर आप अच्छे मार्क्स लाए हो तो उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, बोर्ड मेरिट यानी जो आपके 10th और 12th के मार्क्स है उसके आधार पे भी एडमिशन ले सकते हो, SAT और CUET के थ्रू भी जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। JEE मेन के अंदर 50% SAT के अंदर 50%, CUET UG 2024 के अंदर 60% ये मांग रहे हैं। UP सेट जो इनका खुद का एग्जामिनेशन है उसके लिए स्टूडेंट क्वालिफाइंग फॉर द UP सेट एग्जाम इन द ईयर ऑफ एडमिशन कैन अप्लाई फॉर, यानी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है इनका एग्जाम, उसके बाद जो है आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। नॉन एग्जाम पाथ वे भी है कि आपकी JEE के अंदर बहुत अच्छी रैंक आई है, SAT के अंदर आई है, तो डायरेक्टली आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, और मिनिमम 80% मार्क्स एट हायर एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल एंड मिनिमम 80% एग्रीड इन PCM, अगर आपके 80% से ऊपर है तो आप डायरेक्ट भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने बोर्ड्स के मार्क्स के यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, अगर आपके 80% से ज्यादा है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन भी यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं फीस के बारे में, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है एक स्टूडेंट के लिए, और यहाँ पे जो फीस है उसको देख के मेरे दिल में दर्द हो रहा है और मेरे को भरोसा नहीं हो रहा क्या सच में इस यूनिवर्सिटी की इतनी ज्यादा फीस है। तो यहाँ पे डिटेल में आके देख लेते हैं कि भैया क्या चक्कर है। तो यहाँ पे लिख रहा है सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8ों के 8 सेमेस्टर की यहाँ पे ट्यूशन फी लिखी है, 1,23,000 समथिंग से शुरू होकर ट्यूशन फी पहुंचती है 1,52,000 पर सेमेस्टर तक। ऐसी एकेडमिक सर्विस फी जो 82,000 से लेके 1,02,000 तक है, और मुझे समझ नहीं आ रहा 2,05,000 भाई एक सेमेस्टर की फीस, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। आई डोंट नो, या तो मैं गलत देख रहा हूँ या भाई अगर सच में ये फीस है तो हो सकता है। अगर आगे बात करें तो भैया अदर क्या क्या फीस लेंगे, ये एक बहुत अच्छी चीज लगी, भले ही फीस ज्यादा ले रहे हैं पर भाई क्लियर कर दे रहे हैं कि इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी के अंदर किस किस चीज का आपको पैसा देना पड़ेगा। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन फी आपको देनी पड़ेगी, कन्वोकेशन की फी देनी पड़ेगी, आई कार्ड की अलग देनी पड़ेगी, बाकी ये सारी चीजें आप देख सकते हो इनकी जो फीस है वो इस फीस से बिल्कुल अलग है, यानी इसके अलग भी आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं भैया, स्कोप एंड हाईलाइट फॉर BTech CSE, ये तो हर बच्चे को पता ही है जो आप BTech कर रहे हो, तो काफी सारे फील्ड के अंदर जो यहाँ पे जॉब रहने वाली है। करियर अपॉर्चुनिटीज भी आप देख सकते हो, लाइन से लिस्ट है, वीडियो को पॉज कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो। करिकुलम की बात करें तो आप यहाँ पे अगेन मैं बोलूंगा कि या तो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लो या फिर यहाँ पे अगेन आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, अगेन इन्होंने सारे सेमेस्टर्स की जो है डिवाइड कर दी है कि कौन से सेमेस्टर के अंदर आपको कौन से जो कोर्सेज है वो आपको पढ़ने होंगे। एंड वाई स्टडी एट BTech CSE एट यहाँ पे UPES, भाई ये बात तो जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई यहाँ क्यों पढ़नी है इतनी ज्यादा फीस देके। तो ये आ गया है, यहाँ पे रीजन दे दिए काफी सारे, रैंक 54 बाय NIRF इन द टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया लिस्टेड 2023, 100% प्लेसमेंट एट MNCs लाइक
गोजैक, इंफोसिस, एयरटेल एंड मोर, लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, ये एक बहुत अच्छी चीज है। ये मेरे को भी याद आया, मैंने पहले भी यूपीएस की बनाई है भाई, ये आपको लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं। यहाँ पे आके वो जो फीस ज्यादा थी ना वो जस्टिफाई हो जाती है। यहाँ कई सारे यूनिवर्सिटी के मैं आपको केसेस बताता हूँ, जैसे ही आप 2024 बैच है, यानी मान लो आप 2024 में पास आउट हो रहे हो, और जैसे ही 2024 में अगर आपको मान लो प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी की कोई गारंटी नहीं रहती कि वो आपको प्लेसमेंट दिल पाए। उनका सिर्फ फर्ज रहता है उस ईयर तक जिस ईयर में आप पास आउट हो रहे हो, उसके बाद आपको डिग्री दे देंगे, आप घर जाओ, ठलुआ बैठो, जो मर्जी बेरोजगार रहना है बेरोजगार रहो। बट ये यूनिवर्सिटी कह रही है लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको रहने वाली है, यानी कभी भी आपको प्लेसमेंट की जरूरत है तो यूनिवर्सिटी आपकी उसमें 100% हेल्प करेगी। साथ में इंडस्ट्री लीडिंग प्लेसमेंट पैकेज ऑफ अप टू 50 एलपी इन 2022, बाकी हम आगे भी बात भी करेंगे प्लेसमेंट की। बाकी क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम भी है यहाँ पे, यानी आप दूसरी बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके भी पढ़ सकते हो, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर। सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम भी है यहाँ पे अंदर, जो कि कैलिफोर्निया और बर्केले के अंदर है, और काफी सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इस यूनिवर्सिटी की काफी सारी अलाइंसेज भी हैं बड़ी बड़ी कंपनी के साथ, जैसे कि IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ये काफी अच्छी बात है। माइनस की बात करें तो माइनस भी सब्जेक्ट होते हैं जो बीटेक में जाके आपको आगे देखने को मिलते हैं। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे स्पेशलाइजेशन जो है वो यूपीएस देहरादून के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया प्लेसमेंट्स की, तो कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे प्लेसमेंट देने के लिए आती है, एसेंचर, एडोबी, अमेजोन, अमेरिकन एक्सप्रेस। इसके अलावा अगर हम डिटेल में जाते हैं प्लेसमेंट को लेकर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में बात करनी जरूरी है, तो भैया 50 LP का हाइएस्ट पैकेज है और 30 LP का MBA वालों के लिए। तो कोई अगर मैनेजमेंट वाला बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो भाई प्लेसमेंट MBA के अंदर ये सच में बहुत अच्छा है, 30 लाख का हाईएस्ट। आगे बात करें, फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी टू बी अवार्डेड 5 स्टार ऑन एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट बाय ग्लोबली एक्लेम्ड QS रेटिंग के थ्रू उनको दिया गया है प्लेसमेंट। ये बहुत बीटेक सीएसई की बात कर लेते हैं, 1900+ जो है ओवरऑल स्टूडेंट प्लेस हुए 2022 बैच में, 50 LP का जो है हाईएस्ट CTC गया है, 94% का प्लेसमेंट रेट है, और 560+ जो कंपनीज है वो रिक्रूट करने के लिए आई है। ऑनगोइंग प्लेसमेंट हाईलाइट यहाँ पे दे दिए हैं, 33 LP का जो है अभी हाईएस्ट पैकेज लग चुका है, 21.5 जो है उनका टॉप 10% के जो बच्चे होते हैं उनका एवरेज CTC है, और ये फिर आगे इन्होंने अलग अलग दे रखे हैं, एडवांस इंजीनियरिंग का और बीटेक का भी यहाँ पे दे रखा है, अलग अलग ब्रांचेस वाइज भी इन्होंने MBA वगैरह यहाँ पे प्लेसमेंट्स दिए हुए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। तो प्लेसमेंट इज क्वाइट गुड, मतलब बुरा नहीं बोलूंगा, काफी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के इतने प्लेसमेंट होते हैं, और अगर यूपीएससी ये प्लेसमेंट दे पा रही है तो बहुत अच्छी चीज है। रिक्रूटर्स की बात करें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पे अदानी वगैरह भी, यहाँ पे गोदरेज वगैरह आपको देखने को मिल रही है, और ये काफी बड़ी और अच्छी कंपनीज है। समर इंटर्नशिप जो है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ये भी अच्छी चीज है। ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन, ये सारी चीजें 3 आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी आपको प्रॉपर ट्रेन किया जाएगा प्लेसमेंट्स के लिए, एंड ये सारी चीजें यहाँ पे रहने वाली हैं। कैंपस की बात करें तो कैंपस लाइफ भाई हमेशा की तरह देहरादून में आप हो तो वेदर बहुत अच्छा रहने वाला है, एकदम मस्त जिंदगी आप जीने वाले हो, बारिश हरियाली वगैरह आपको देखने को मिलेगी, और घूमने के लिए आप बगल में मसूरी है, आप जा सकते हो, कई सारी जगह है जहाँ पे आप घूमने जा सकते हो। स्टूडेंट सेफ्टी की बात करें तो इनका अपना DHW डिपार्टमेंट है, जहाँ पे अगर रैगिंग वैगिंग होती है, कुछ भी होता है, तो यहाँ नंबर भी दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी दी हुई है, उस पर आप करके कंप्लेंट कर सकते हो, तो डेफिनेटली स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे होने वाला है। लर्निंग एट UPS जो है वहाँ पे उन्होंने शो किया है, न्यूज एंड इवेंट जो है वो यहाँ पे होते रहते हैं, जैसे लिटरेचर का हो गया, या फिर लॉ फेस्ट हो गया, वुमेन बाइक रैली हो गई, इस तरीके के काफी सारे इवेंट जो है यूनिवर्सिटी के अंदर होते रहते हैं। हॉस्टल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें तो उसके लिए भी उन्होंने काफी सारे जो कदम है वो उठा रखे हैं। आई होप ये जो यूनिवर्सिटी का रिव्यू है वो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर करियर काउंसलर आपका वेट कर रहा है, आप 100% फ्री है, कोई भी उसके चार्ज नहीं है, पिन कमेंट में मैंने उनका दे रखा है। बाकी अगर आप कमेंट में कोई भी मेरे से बात करना चाहते हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, मैंने अपनी इंस्टाग्राम ID भी जो है वो मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे आपको नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।